दोस्तों, आप महाभारत के उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों के विषय में जानते होंगे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। परंतु क्या आप महाभारत के एक विशेष रथ के बारे में जानते हैं जो हवा में उड़ता था? जी हाँ दोस्तों, महाभारत में इस प्रकार के एक मायावी रथ के बारे में जिक्र मिलता है जो जमीन से ऊपर चलता था। क्या आप जानते हैं वह रथ किसके पास था? दोस्तों, शायद आप यह बात जानकर चौंक जाएंगे कि वह मायावी रथ किसी कौरव के पास नहीं बल्कि एक पांडव के पास था। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि पांडवों के बड़े भाई और महाभारत काल के सबसे बड़े धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर के रथ का पहिया हमेशा धरती से 4 अंगुल ऊपर चलता था? यह बात महाभारत के उन कुछ गुप्त रहस्यों में से एक है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हमारे अनेकों ग्रंथों में से महाभारत ग्रंथ भी एक विशाल सागर के समान है जो अपने अंदर ऐसे असंख्य गुप्त बातों को समेटे हुए है जिनका वर्णन बहुत कम मिलता है या फिर उनके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। यह बात बहुत कम प्रचलित है, परंतु ऐसी मान्यता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के रथ का पहिया हमेशा धरती से 4 अंगुल ऊपर चलता था। तो दोस्तों, क्या वो कोई मायावी रथ था? तो क्यों धरती से 4 अंगुल ऊपर चलता था वो रथ? आज हम आपको महाभारत के इस विशेष प्रकार के रहस्य के बारे में बताएंगे तथा आज हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे युधिष्ठिर ने अपने किस तपोबल के दम पर इस प्रकार की विशेष शक्ति अर्जित की जिससे उनका रथ अब सभी से खास था। श्री कृष्ण, बलराम, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और परशुराम जैसे महान योद्धाओं और महापुरुषों को भी यह विशेष सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर ऐसा क्या खास था युधिष्ठिर में? आइए जानते हैं युधिष्ठिर के रथ का पहिया धरती से 4 अंगुल ऊपर क्यों चलता था। आज हम आपको इसको तथ्यों सहित बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, युधिष्ठिर के रथ का पहिया धरती से 4 अंगुल ऊपर क्यों चलता था? इस प्रश्न का उत्तर उनका धर्मराज होना था। माता कुंती ने संतान प्राप्ति के लिए पति की इच्छा और आदेश से दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र का प्रयोग करके सर्वप्रथम भगवान धर्म का आवाहन किया था, जिसके फलस्वरूप धर्म के देवता कुंती के सम्मुख प्रस्तुत हुए और उनके अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म का अंश होने के कारण वे धर्मपुत्र थे और इसी कारण से उन्हें धर्मराज कहा गया। एक धार्मिक पुरुष सदैव क्षमाशील होता है और यह गुण युधिष्ठिर में कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने सदैव ही दुर्योधन को क्षमा किया, यहाँ तक कि भीम के द्वारा परास्त होकर जब दुर्योधन मैदान में घायल होकर गिर पड़ा तो युधिष्ठिर ने उसके पास जाकर रोते हुए उससे भीम के कृत्यों के लिए क्षमा याचना की थी, क्योंकि युधिष्ठिर ने हमेशा सदाचार और धर्म का पालन किया। वे सत्यवादी और गहन विचारक थे तथा कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेते थे। वे अपने शत्रु के प्रति भी दया का भाव रखते थे। युधिष्ठिर ने अपने परम शत्रु दुर्योधन में भी हमेशा अपना छोटा भाई ही देखा तथा उसके सारे बुरे कर्मों को माफ किया। महाभारत काल की सभी महापुरुष और धर्मात्मा भी युधिष्ठिर के प्रशंसक थे तथा उस काल में उनसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं था, इसलिए उन्हें धर्मराज की उपाधि भी दी गई। युधिष्ठिर सदैव सत्य बोलते थे और सत्य में अडिग रहने के कारण ही उनका रथ जमीन से ऊपर चलता था। मुख्य रूप से युधिष्ठिर उस काल के सबसे बड़े सत्यवादी थे, इसलिए उन्हें यह विशेष सम्मान प्राप्त हुआ और इसलिए हमेशा उनके रथ का पहिया जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था। परंतु दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला और अश्वत्थामा के मरने का झूठ बोला, फिर भी युधिष्ठिर महाभारत काल के बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी कैसे हुए? तो दोस्तों, अब हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
दोस्तों, युधिष्ठिर को जुआ इसलिए खेलना पड़ा क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था कि एक क्षत्रिय को कभी भी किसी भी प्रकार की चुनौती से इनकार नहीं करना चाहिए। महाभारत काल में ये भी माना जाता था कि एक क्षत्रिय को कभी युद्ध और जुए की चुनौती को इनकार नहीं करना चाहिए। जुए को भी युद्ध के ही समान माना जाता था और इनसे बचने वाले क्षत्रिय को कायर समझा जाता था। तो दोस्तों, इस प्रकार युधिष्ठिर ने जुए की चुनौती को स्वीकार कर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया था। दोस्तों, रही बात अश्वत्थामा के मरने के झूठ के बारे में, तो भले ही युधिष्ठिर ने एक हाथी के मरने के बारे में कहा हो, परंतु गुरु द्रोण ने इसे अपना ही बेटा समझ लिया था और वे मारे गए। इसलिए इस बात की गिनती युधिष्ठिर द्वारा बोले गए झूठ में होती है। दोस्तों, युधिष्ठिर द्वारा बोले गए इसी एकमात्र झूठ की वजह से उनके रथ का पहिया धरती पर वापस आ गया था और उनके द्वारा किया गया अब तक का यश खत्म हो गया था। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि युधिष्ठिर के रथ का हमेशा के लिए धरती से 4 अंगुल ऊपर नहीं रहा। उन्होंने जिस क्षण ये झूठ बोला, उसी क्षण उनके रथ का पहिया वापस नीचे जमीन पर आ गया। तो दोस्तों, क्या आप महाभारत की इस गुप्त रहस्य को जानते थे? इस बात पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के गुप्त बातें आप तक पहुंचाते रहें।